Let's start the fresh chapter of physical chemistry. Physical chemistry ka, in fact, fresh chapter, aakhri chapter syllabus ka start karte hain. That is electrochemistry. In this chapter, we'll study the chemical effect of electric current and vice versa. Chemical effect of electric current as well as electrical effect of any chemical reaction. That would be dealt in this chapter. इस चैप्टर को हम इनफैक्ट तीन पार्ट में पढ़ेंगे. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इस चैप्टर का जो पहला भाग है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विल ऑब्जर्व कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू chemical energy, conversion of electrical energy into chemical energy. Here the driving force of the phenomena would be some electric potential. Due to that, there would be some electric current in the cell, and due to that electric current, there would be some chemical reaction that would take place in the cell. पहले भाग में हम electrolytic cell समझने जा रहे हैं, और इस electrolytic cell में हम throughout देखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनर्जी में होता है. और हम एक सेल लेंगे, उसके अंदर पोटेंशियल लगाएंगे, और उस पोटेंशियल की वजह से वहां पर कुछ करंट फ्लो होएगा, और उस करंट के फ्लो होने से वहां पर केमिकल रिएक्शन होगी. वी यूज टू से द ड्राइविंग फोर्स इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक करंट, एंड द ड्रिवन इज सम केमिकल रिएक्शन. और जब यह फिनोमेना होगा तो उस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. जिस बैटरी के द्वारा, जिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सोर्स के द्वारा हम यह काम करेंगे, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी. एंड विल ऑब्जर्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. और जिस डिवाइस में भी यह फिनोमेना होगा will term it as electrolytic cell. The second part of the chapter is galvanic cell. This chapter ka jo dusra bhag hoga, that is galvanic cell, just reverse of it. Here we'll observe conversion of chemical energy into electrical energy. Conversion of chemical energy into electrical energy. किसी भी बैटरी में ये ही फिनोमेना होता है. एनी बैटरी इज अ गैल्वेनिक सेल. अभी ये जो मैं डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें भी जो बैटरी लगा रखी है, दैट इज अ गैल्वेनिक सेल. इस सेल के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, और उस केमिकल रिएक्शन के होने से इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है. वी यूज टू से द ड्राइविंग फोर्स इज सम केमिकल रिएक्शन, एंड द ड्रिवन इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और जब भी यह फिनोमेना हो रहा है तो बैटरी के अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी वह कम होती जा रही है, और उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क में हो रहा है.
जिस भी डिवाइस में हम यहां काम करेंगे दैट डिवाइस विल कॉल इट गैल्वेनिक सेल. एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर वुड बी कंडक्टेंस ऑफ सेल. कंडक्टेंस ऑफ सेल. इन द थर्ड पार्ट विल डील विथ इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ अबाउट टू सेल. मीन्स वॉट इज देयर रेजिस्टेंस, वॉट इज देयर रेजिस्टिविटी, वॉट इज देयर कंडक्टेंस, वॉट इज देयर कंडक्टिविटी, हाउ टू एनहेंस और हाउ टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट. किस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट को तेजी से फ्लो करवा सकते हैं और किस तरह से उसको कंट्रोल कर सकते हैं. ऑन वॉट फैक्टर्स डज इट डिपेंड्स ऑन. हियर विल डील विथ इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट ऑफ अबाउ टू सेल्स. हम इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तीन पार्ट में पढ़ेंगे. मैं सबसे पहला पार्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इसी समय स्टार्ट कर रहा हूं. ध्यान रहे पीईटी में कई सारे ऑब्जेक्टिव्स तो सिर्फ इसी तरह से आते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सिर्फ पीईटी में तो कई बार बड़े बेसिक से ही सवाल पूछते हैं, सिर्फ यही बात पर उनकी एग्जाम ही खत्म हो जाती है, हो गया. लेट्स स्टार्ट विथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. देखिए इन दिस सेल as I told you here we'll observe conversion of electrical energy into chemical energy. A vessel filled with a electrolyte. A vessel filled with a electrolyte. What do you mean by electrolyte? A electrolyte means a solution of a compound which have got electrovalent bond. A liquid solution of a compound which have got electrovalent bond. Electrovalent bond ka matlab kya hota hai? A bond which involve complete transfer of electron. Jisme ek species se dusre species par electron ka complete transfer ho raha hai. Aise bond ko hum electrovalent bond kehte hain. The species which donate a electron acquires a positive charge over it, we call it cation. And the species which acquires or which gains a electron would acquire negative charge over it would be called it anion. ऐसे किसी इलेक्ट्रोलाइट का यह सॉल्यूशन है. कैटायन और एनायन को मिलाकर यह एक सॉल्यूशन बना है. इसे मैं इलेक्ट्रोलाइट कह देता हूं. सच इलेक्ट्रोलाइट इन इट्स लिक्विड स्टेट अंडर गो डिसोसिएशन गिव्स यू कैटायन एंड एनायन. दे गेट सेपरेटेड इनटू द सॉल्यूशन and a dynamic equilibrium is established for the reaction. Solution ke andar jo electrolyte hai woh dissociate ho jayega, dher sare cations hoenge aur dher sare anions bhi hoenge aur yah wahan par independently migrate kar sakte hain. इंडिपेंडेंटली वहां पर रैंडम मोशन करेंगे. ध्यान रहे एक्वस सॉल्यूशन में या लिक्विड सॉल्यूशन में
कैटायन और एनायन डिसोसिएट हो जाने के बाद इंडिपेंडेंटली रैंडम मोशन कर सकते हैं, दोनों का मूवमेंट एक दूसरे के साथ कोई कोरिलेशनशिप, कोई खास कोरिलेशनशिप नहीं रखता है, बट वी कैन नेवर आइसोलेट अ कैटायन फ्रॉम द सॉल्यूशन और कैन नेवर आइसोलेट एन एनायन फ्रॉम द सॉल्यूशन। हम यदि चाहें एक आइसोलेटेड कैटायन को निकाल के बाहर कर लें, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। एक आइसोलेटेड एनायन को हम सॉल्यूशन से निकाल के बाहर कर लें, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। कैटायन और आयन एनायन को आइसोलेट नहीं करा जा सकता, सॉल्यूशन हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा और उस सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन अलग रह सकते हैं और इंडिपेंडेंटली मूवमेंट कर सकते हैं और उनकी मूवमेंट का आपस में कोई खास संबंध भी नहीं रहेगा। इस तरह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इस तरह का डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश है और इस कंडीशन में मैं दो मेटल इलेक्ट्रोड्स इसके अंदर डिप कर देता हूं। दिस आर द टू मेटल इलेक्ट्रोड्स डिप्ड इनटू दिस सॉल्यूशन। लेट अस से हमने प्लैटिनम की, प्लैटिनम मेटल की दो इलेक्ट्रोड हमने इसमें डिप कर दी है। Why we had chosen platinum metal? Because platinum is a noble metal. It's nearly inert metal. It does not react. It does not easily participate in any reaction, in any chemical reaction. So it won't participate in the phenomena that would further take place. हमने इस प्लैटिनम मेटल की दो इलेक्ट्रोड्स इस लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दी है। व्हाट वुड हैपन? कुछ भी नहीं होएगा। सिर्फ प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड के डिप कर देने से वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बिहेवियर पर, कैटायन और एनायन के बिहेवियर पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं दिखाई देना है। वो इंडिपेंडेंटली जैसे थे वैसे के वैसे ही बिहेव करते रहेंगे। इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ना है और इलेक्ट्रोलाइट पर कैटायन और एनायन उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। अब हम क्या करते हैं, यदि इन इलेक्ट्रोड्स पर हम एक्सटर्नल बैटरी के द्वारा एक डीसी पोटेंशियल लगा दें, बैटरी का यह निगेटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रोड पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा और इसे निगेटिव पोटेंशियल पर ला देगा और यह इलेक्ट्रोड जो निगेटिव पोटेंशियल पर आ चुकी है, वी कॉल इट कैथोड। बैटरी का कैथोड वो इसे कैथोड बना देगा और बैटरी का यह जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इट हैव गॉट टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर एवर इट्स कनेक्टेड। यह बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस इलेक्ट्रोड पर से सरफेस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और इस इलेक्ट्रोड पर से सरफेस इलेक्ट्रॉन के खींचा जाने से इस इलेक्ट्रोड पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के हो जाने से इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल आ जाएगा और पॉजिटिव पोटेंशियल के आ जाने से यह इलेक्ट्रोड एनोड कहलाने लगेगी। अभी तक कैटायन और एनायन का मूवमेंट बिल्कुल रैंडम था, मगर जब हमने इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट के अक्रॉस दो इलेक्ट्रोड और उन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक इलेक्ट्रोड को कैथोड बना दिया और एक इलेक्ट्रोड को एनोड बना दिया, अब
एनायंस का मूवमेंट रैंडम नहीं रह जाएगा, दे वुड एक्वायर डायरेक्शन नेचर। हम कहते हैं कैटायन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इट वुड बी अट्रैक्टेड बाय दिस कैथोड, इट वुड माइग्रेट टुवर्ड कैथोड, दिस कैटायन वुड माइग्रेट टुवर्ड कैथोड एंड दिस एनायन विच हैव गॉट नेगेटिव चार्ज वुड बी अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड। यह एनायन एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा। वी यूज टू से सी माइग्रेट टुवर्ड सी एंड ए माइग्रेट टुवर्ड ए। आई मीन टू से कैटायन माइग्रेट टुवर्ड कैथोड एंड एनायन माइग्रेट टुवर्ड एनोड। ए माइग्रेट टुवर्ड ए, सी माइग्रेट टुवर्ड सी। कैटायन माइग्रेट टुवर्ड कैथोड एंड एनायन माइग्रेट टुवर्ड एनोड। अब कैथोड और एनोड पर केमिकल रिएक्शन होगी किस तरह से, जरा देखें। मैं इधर एक पॉइंट बोल दूं, क्यों ऐसा बोल रहा हूं आगे समझाऊंगा। एनोड पर भी एक रिएक्शन होनी है, कैथोड पर भी एक रिएक्शन होनी है। अभी हम देखेंगे एनोड पर ऑक्सीडेशन होएगा, कैथोड प्रोडक्शन होएगा। वन शुड ऑलवेज एनालाइज एंड राइट एनोड रिएक्शन फर्स्ट। हमेशा एनोड रिएक्शन का एनालिसिस सबसे पहले करा जाना चाहिए और एनोड रिएक्शन सबसे पहले लिखी जानी चाहिए। एट एनोड ऑक्सीडेशन होना है, अभी हम देखेंगे। वन शुड ऑलवेज एनालाइज एंड राइट ऑक्सीडेशन रिएक्शन फर्स्ट। हमेशा सबसे पहले हम एनोड की तरफ देखते हैं। एनोड पर यह एनायन जा रहा है, एनायन के पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। एनायन के पास एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग से उसे मिला है, और एनोड के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। एनोड इलेक्ट्रॉन लेना चाहती है और एनायन उसे इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। यह एनायन इस एनोड को अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और एनायन का डी इलेक्ट्रोनेशन हो जाएगा। एनायन वुड रिलीज एन इलेक्ट्रॉन और गिव एन इलेक्ट्रॉन टू एनोड। दिस फिनोमेना वुड ऑकर एट एनोड। एंड वी कॉल इट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन is termed as oxidation, de-electronation is termed as oxidation. At anode, we always have oxidation. Hamesha oxidation reaction sabse pehle likh dijiye, anode ki reaction sabse pehle likh dijiye. Iske baad, hamesha likhi jati hai, cathode ki reaction, reduction reaction. Yaha cation, jo cathode ki taraf ja raha hai. Cation ke paas, electron ki deficiency hai, कैथोड के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, सरप्लस इलेक्ट्रॉन है। कैटायन किसी तरह से कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्वायर करना चाहता है, कैथोड किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहती है, इसीलिए यह इसके पास गया है। यह कैटायन कैथोड पर जाएगा, इट वुड एक्वायर एन इलेक्ट्रॉन, इट वुड गेन अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड। एट कैथोड विल ऑब्जर्व दिस रिएक्शन। Gain of electron or addition of electron is termed as reduction. ध्यान रहे, जब तक हमने कोई potential नहीं लगाया था, the driving force is this battery. इस battery का potential और इस battery की वजह से push करा गया current, वही इस phenomena का driving force है। जब तक यह बैटरी नहीं थी, जब तक सर्किट में कोई पोटेंशियल नहीं था, जब तक कोई करंट नहीं था, तब तक तो वहां पर इस तरह की सिचुएशन थी। सिर्फ यह डिसोसिएट होके कैटायन और एनायन वहां पर
पटक रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे, उनमें किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्टिविटी, कोई केमिकल फिनोमेना नहीं हो रहा था, मगर जैसे ही आपने पोटेंशियल लगाया वहां पर एनायन ऑक्सीडाइज होने लगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होने लगा, कैटायन रिड्यूस होने लगा, कैथोड प्रोडक्शन होने लगा और ओवरऑल वहां पर यह रिएक्शन होने लगी, सी पॉजिटिव प्लस ए नेगेटिव गिव यू सी प्लस ए और सी ए गिव्स यू सी प्लस ए. वी कॉल इट दिस इज द रिएक्शन दैट इज ऑकरिंग इन द सेल. वी यूज टू से ड्यूरिंग दिस फिनोमेना द इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द बैटरी इट्स डिक्रीजिंग. इस फिनोमेना के दौरान इस बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड है वह कम होती जा रही है और इस केमिकल रिएक्शन के होने से जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है सी और ए की केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. सी जो कि कैथोड पर बन रहा है, ए जो कि एनोड पर बन रहा है, इसकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सी ए. वी यूज टू से दैट दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. सच अ डिवाइस वी कॉल इट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इस डिवाइस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनर्जी में हो रहा है. इसी डिवाइस को हमें बड़े डिटेल में पढ़ना है और समझना है. वी यूज टू से हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो एनालिसिस करने, दो एस्पेक्ट को समझना है. द फर्स्ट इज इट्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. इन द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट विल एनालाइज द क्वालिटी ऑफ द रिएक्शन और द नेचर ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में यह समझेंगे कि एनोड पर कौन ऑक्सीडाइज होगा, कैथोड पर कौन रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरह की रिएक्शन होगी, किस आयन का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बढ़ेगा, किस आयन का कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में घटेगा, एच पॉजिटिव आयन बढ़ेंगे या कम होंगे, पीएच वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी. ऑल दिस थिंग्स वुड बी एनालाइज्ड इन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. एंड द सेकेंड analysis that we need to carry is the quantitative analysis or the quantitative aspect. Of electrolytic cell. In the quantitative aspect we will deal with what current is passed in the circuit, for how much time, due to that current how much charge had flown into the circuit. Due to that current and due to that charge, how many number of electrons had passed into the circuit, and due to those electrons, to what extent oxidation took place at anode, to what extent reduction took place at cathode, what is the final, initial and final concentration of ions, how much amount of gas is liberated at anode, how much amount of gas is liberated at cathode, what is the mass that is oxidized, what is the mass that is reduced, what is the final H positive ion concentration value, what is the final pH value of the solution. All these things would be studied in this quantitative aspect. Isi aadhar par hum dher sare numerical problems इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पर सॉल्व करते रहेंगे. देखिए मैं सबसे पहले क्वालिटेटिव एस्पेक्ट समझाऊंगा. हम कहते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में हम
हमें यह जानना होता है कि किस तरह की केमिकल रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। हम उन्हीं फैक्टर्स के इफेक्ट को बड़े ध्यान से समझेंगे। इट डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज डेफिनेटली द इलेक्ट्रोलाइट that we had used in electrolytic cell. Is के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया जा रहा है, जैसे NaCl, Na2SO4, Na2CO3 या ZnSO4 या CuSO4 या CaCl2, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के साथ में अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन होगी। एंड द सेकेंड फैक्टर दैट वुड इफेक्ट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस in the electrolytic cell would be the medium in which we are carrying this electrolysis. Medium may be aqueous medium, it may be ethereal medium, it may be molten medium. भाई हम electrolyte को पानी के अंदर dissolve करके उसके अंदर electrolysis कर सकते हैं, तो पानी का क्या इफेक्ट होगा, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ फॉर द रोल ऑफ वाटर इनटू द इलेक्ट्रोलिसिस, हमें यह समझना होगा। हम जैसे ऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स के सिंथेसिस में कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हमने सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स उनका इलेक्ट्रोलिसिस करा था और हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन करी थी। मगर ध्यान करो उस रिएक्शन को डिस्क्राइब करते समय हमने क्या मीडियम लिखा था, इट वॉज इथीरियल मीडियम। हमने वहां पर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स को हमने एक्वस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं कराया, एक्वस मीडियम में करते तो हाइड्रोकार्बन कभी मिलता ही नहीं, इथीरियल मीडियम लिया था। तो वहां पर उस इथीरियल मीडियम का क्या और कैसा रोल है जिससे कि हाइड्रोकार्बन हमें मिल जाता है। इसी तरह से हम कई केसेस में कोई मीडियम लेंगे ही नहीं, ना तो वाटर लेंगे ना कोई ईथर लेंगे, विल टेक मोल्टन मीडियम। जैसे इस केस में जो हमने सिर्फ सीए लिखा है, इनफैक्ट आई से इट्स मोल्टन सीए, ये मोल्टन सीए, मोल्टन मींस इट्स हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर सच दैट द इलेक्ट्रोलाइट गेट्स मेल्टेड डाउन और वहां मोल्टन सीए बन गया। तो मोल्टन मीडियम में क्या और किस तरह की रिएक्शन होगी। एंड द थर्ड फैक्टर्स फैक्टर विच इफेक्ट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज द इलेक्ट्रोड्स यूज। इन द सेल हम किस तरह के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर जब हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर लिया तो उस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का कोई रोल नहीं रहा, बट वॉट इफ वी वुड हैव यूज ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड। इस तरह से हम दूसरे अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होने वाली रिएक्शन पर किस तरह से और कैसा फर्क पड़ेगा, दैट वुड बी स्टडीड इन द फर्दर आर्टिकल। एंड दिस आर द थ्री फैक्टर्स विच गवर्न द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लेट मी टेल यू द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते समय कोई हर क्वेश्चन में वो इस तरह का फिगर नहीं बनाएंगे, ये डब्बा बनाया, दो इलेक्ट्रोड लटकती हुई दिखाई और फिर ऊपर बैटरी बनाई और फिर ये सब चीज नहीं बनाई जाएगी। ऑल दिस कंप्लीट सेटअप वुड बी रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल लाइन और उस सिंगल लाइन को ध्यान से देखकर इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को आप दिमाग में बना लोगे। मैं सबसे पहले अब बताता हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिप्रेजेंटेशन, द स्टैंडर्ड वे टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिप्रेजेंटेशन,
एक ही लाइन में हम इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से दो सिंगल बार बनाए जाते हैं, इधर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इन दोनों सिंगल बार के बीच में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हमने कंस्ट्रक्ट करा है उसकी पूरी कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं। दिस साइड द लेफ्ट हैंड साइड वुड बी कॉल्ड द एनोड साइड एंड द राइट हैंड साइड वुड बी कॉल्ड द कैथोड साइड। इधर हम सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में मीडियम मेंशन कर देते हैं, टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर हमने मीडियम मेंशन कर दिया, जो भी मीडियम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन दोनों के ठीक बीच में इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइट मेंशन कर देते हैं कि क्या इलेक्ट्रोलाइट हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में लिया है। और बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पर हम इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर बीच में कॉमा लगाते हुए इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं। इन दिस मैनर वी हैड डिस्क्राइब्ड द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंडीशन दैट इज बीइंग इलेक्ट्रोलाइट्स। टॉप साइड में हमने मीडियम लिख दिया, फिर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया जा रहा है वह लिख दिया, और कंसंट्रेशन और टेम्परेचर वह हमने मेंशन कर दिया कि क्या उसका कंसंट्रेशन लिया गया है और किस टेम्परेचर पर। दिस साइड वी यूज टू मेंशन एनोड, एनोड की जगह कौन सा मेटल लिया जा रहा है, और कॉमा करके एनोड प्रोडक्ट लिख दिया जाता है। वाइल ऑन राइट हैंड साइड हम पहले कैथोड प्रोडक्ट लिखते हैं और कॉमा करके कैथोड की जगह जो भी मेटल लिया जा रहा है वह मेंशन कर दिया जाता है। दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इधर एक बात मैं साफ बता दूं, यदि आपसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए तो आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जैसे मैंने अभी बताया है, आपको स्ट्रिक्टली इसी तरह से करना होगा। आप एनोड लिखेंगे, एनोड पर कौन सा मेटल है, फिर एनोड प्रोडक्ट लिखेंगे, और मीडियम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन टेम्परेचर ये सब कुछ लिखेंगे, कैथोड प्रोडक्ट और कैथोड। मगर प्रॉब्लम्स जब आपको दिए जाएंगे AIEEE में IIT JEE में, वहां पर जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करा जाएगा दे नेवर बॉदर मेंशनिंग एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट। प्रॉब्लम डिस्क्राइब करते समय वो एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट आपको कभी भी लिखकर नहीं देंगे, वह तो सिर्फ आपको एनोड बता देंगे, मीडियम इलेक्ट्रोलाइट ये बता देंगे। एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट तो आपको स्वयं को सोचना होगा कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। आपको यदि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो पूरा पूरा लिखना होगा, और उनको जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, वो सिर्फ उतनी ही चीज लिखेंगे जितनी आवश्यक है, और जितनी आपको सोचना है वो उसको नहीं लिखेंगे। अब यदि मुझे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करना है, इस इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे करूंगा, एनोड की जगह पर पहले प्लैटिनम, प्लैटिनम की एनोड है, और इस एनोड पर जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज ए, दिस इज द एनोड प्रोडक्ट, और मोल्टन मीडियम ले रहा हूं, CA इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं। यदि मोल्टन ले लिया है तो कंसंट्रेशन मेंशन करने की फिर कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी क्योंकि वहां पर तो सिर्फ CA ही है, और डेफिनेटली टेम्परेचर मस्ट बी हाई टेम्परेचर इन दिस केस, और कैथोड प्रोडक्ट इज C, और कैथोड पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इन दिस मैनर आई वुड रिप्रेजेंट दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
हमेशा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते समय इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाएगा। हर प्रॉब्लम में इस तरह से डब्बा बनाना, इलेक्ट्रोड बनाना और ये सब चीज बनाना ये जरूरी नहीं है, सिर्फ यह चीज लिख दी जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पर किस तरह का और कैसा सेटअप है, किस तरह का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वहां पर डिस्क्राइब करा गया है। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखिए,